Viewers, I hope all of you are fine. Welcome back to my channel Zenny Study Instruments. Here all students who are doing Master or BS in English can seek help. Our today's course is John Donne, Love and Divine Poetry, and I am going to tell you about the very important topic is Valediction, Forbidding, Mourning, Summary in Urdu, Hindi and English. Before starting this video guys, please subscribe my channel and press the bell icon as well to get notification of my new videos and video. Please press the like button and share my video with your friends. The viewers who have subscribed my channel are requested to watch the video till end so that you can understand the full topic. If you don't understand, please tell me in the comment box. If you need another topic, please tell me in the comment box. You will get the same topic in the next video. Now I'm gonna start the topic. The valediction. A valediction forbidding mourning, written by John Donne. Summary. The speaker opens with an image of good men dying quietly, softly, urging their souls to leave their bodies. स्पीकर खामोशी से मरने वाले अच्छे मर्दों की तशबीह के साथ खुलता है, नरमी से इनकी रूहों को अपने जिस्म छोड़ने की तलकीन करता है. दीज विचुअस डेथ्स आर सो इम्परसिप्टिबल डेट द डाइंग मैन्स फ्रेंड्स डिस एग्री अबाउट वेदर और नॉट द मैन हैव स्टॉप्ड ब्रीथिंग शेट. ये नेक मौत इस कदर नामर्द है कि मरने वाले मर्दों के दोस्त इस बात से इख्तलाफ करते हैं कि मर्दों ने अभी सांस लेना छोड़ दिया है या नहीं. द स्पीकर आर्ग्यूज डैट ही एंड द लवर्स ही इज बिडिंग फॉर फेयरवेल टू शुड टेक दिस डेथ्स एज अ मॉडल एंड पार्टी वाज वी साइलेंटली. स्पीकर का इस्तदलाल है कि वो जिस इश्क को वो अलविदा कह रहा है इसे ही नमवाद को एक मॉडल के तौर पर लेना चाहिए और खामोशी से जसवी तौर पर. दे शुड नॉट गिव इन टू द टेम्पटेशन ऑफ टू वीप एंड साई एक्सेसिवली. वो रोने और जरूरत से ज्यादा अफसोस करने के लिए आजमाइश में नहीं देना चाहिए. इन फैक्ट ड्राइविंग सो ओपनली वुड डिग्रेड देयर प्राइवेट लव बाय ब्रॉडकास्टिंग इट टू ऑर्डिनरी पीपल. दर हकीकत इस कदर खुलकर गम करने से इनकी निजी मोहब्बत को आम लोगों तक नशर करके नीचे दिखा देता है. नेचुरल अर्थली डिस्टर्बेंसेज सच एज अर्थक्वेक्स हर्ट एंड स्केयर ह्यूमन बींग्स. और इनकी निजी मोहब्बत को आम तौर पर लोगों तक नशर करके दिखा देता है. कुदरती जमीनी खलल मसलन जलजले से इंसान को तकलीफ पहुंचती और खौफ आता है. ऑर्डिनरी पीपल नोटिस दीज इवेंट्स हैपनिंग एंड हाउएवर द मूवमेंट्स ऑफ द हेवंस वाइल बीइंग लार्जर एंड मोर साइग्निफिकेंट गो अननोटिस्ड बाय मोस्ट पीपल. ताहम आम लोग इन वाकयात को होते हुए देखते हैं और हैरान होते हैं कि इनका क्या मतलब है. ताहम इंसान आसमानों की नकलो हरकत बड़े और ज्यादा अहम होते हैं, ज्यादातर लोगों की तरफ से नापसंदीदा है. बोरिंग कॉमन प्लेस पीपल फील अ काइंड ऑफ लव डैट बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन सेंचुअल कनेक्शन कांट हैंडल सेपरेशन. बोरिंग आम लोगों को एक किस्म की मोहब्बत महसूस होती है क्योंकि ये जिनसी तलक पर मुनसिर है, अलहदगी को संभाल नहीं सकता. जिस्मानी तौर पर अलग होने की वजह से वो जिस्मानी बंधन छीन लेता है. बीइंग फिजिकली अपार्ट टेक अवे द फिजिकल बॉन्ड दैट देयर लव डिपेंड्स ऑन. जिस्मानी तलक पर होने की वजह से जिस्मानी तौर पर अलग होने की वजह से वो जिस्मानी बंधन छीन लेता है. द स्पीकर एंड हिज लवर ऑन द अदर हैंड एक्सपीरियंस अ मोर रेयर एंड स्पेशल काइंड ऑफ बाउंड. और जो स्पीकर होता है जिस्मानी तौर पर अलग होने स्पीकर और इसके प्रेमी दूसरी तरफ ज्यादा नायाब और खास किस्म के बॉन्ड का तजर्बा करते हैं. दे कॉन्ट इवन अंडरस्टैंड इट देमसेल्फ बट दे आर लीक्ड मेंटली सर्टेन ऑफ अनदर ऑन अ नॉन फिजिकल प्लान. वो खुद भी इसे समझ नहीं सकते लेकिन वो जहनी तौर पर एक दूसरे के एक गैर जिस्मानी तैयारी पर मुंसलिक हैं. बिकॉज ऑफ दिस इट मैटर लेस टू देम व्हेन देयर बॉडीज आर पार्ट. इसकी वजह से जब इनके जिस्म अलग होते हैं तो ये इनसे कम अहमियत रखता है. द सोल्स ऑफ द लवर्स आर यूनिफाइड बाय लव. मोहब्बत करने वाले की रूहें मोहब्बत से मुत्तहिद हैं. ऑल्दो द स्पीकर्स मस्ट लीव देयर सोल्स विल नॉट बी ब्रोकन अपार्ट. मोहब्बत करने वालों अगरचे स्पीकर रुखसत होना जरूरी है लेकिन इनकी रूहें टूट फूट का बायस नहीं बनेगी. इंस्टेड इसकी बजाय दे विल एक्सपेंड टू कवर द डिस्टेंस बिटवीन दैम एज फाइन मेटल एक्सपेंड्स वेन इट इज हैमर्ड. इनके दरमियान फैसले का अहाता करने में तोसी करेंगे क्योंकि जब ठीक दाद की तोसी होती है जब इसे बिखर जाता है. और अगर
The soul of the lover is, if their souls are in fact individual, they are nevertheless linked in the way the legs of a drawing compass are linked. अगर इनकी रूहें हकीकत में इनफरादी हैं तो वो इसके बावजूद किसी ड्राइंग कंपस के टांगों से मुंसलिक हैं. The soul of the lover is like the stationary foot of the compass, which does not appear to move itself, but actually does respond to the other foot movement. और आशिक की रूह कंपस के साकन पांव की तरह होती है, जो खुद हरकत करता दिखाई नहीं देता बल्कि दरअसल दूसरे पांव की हरकत का जवाब देता है. दिस स्टेशनरी कंपस फुट सिट्स इन द सेंटर ऑफ अ पेपर, और ये स्टेशनरी कंपस फिट एक कागज के मरकज में बैठता है. जब व्हेन द अदर कंपस फुट मूव्स फुर्दर अवे, द स्टेशनरी फुट चेंज इट्स एंगल टू लीन इन दैट डायरेक्शन इफ शी लॉन्गिंग टू बी द नियर टू इट्स पार्टनर. जब दूसरा कंपस पांव मजीद दूरी की तरफ बढ़ता है तो साकन पांव इस सिमत झुकाने के लिए अपना जाविया तब्दील करता है. एज द मूविंग गोया अपने साथी के करीब होने की आरजू रखता है. एज द मूविंग फुट रिटर्न्स क्लोजिंग द कंपस, द स्टेशनरी फुट स्टैंड स्ट्रेट अगेन, सीमिंग अलर्ट एंड एक्साइटेड. हरकत पजीर पांव की वापसी के साथ ही कंपस बंद करते हुए साकन पांव एक बार फिर सीधा खड़ा होता है, चौकस और परजोश दिखाई देता है. The speaker's lover, he argues, will be like his stationary foot, and while he himself must travel a circuitous indirect route, or इसी के मुकर्रर स्पीकर का आशिक वो दलील देता है इसके स्टेशनरी पैर की तरह होगा, जबकि वो खुद भी सरकता हुआ बिला वास्ता रास्ते तय करता है. हर फिक्स पोजीशन प्रोवाइड हिम विद द स्टेबिलिटी टू क्रिएट अ परफेक्ट सर्कल विच एंड्स एग्जैक्टली वियर इट बिगन, ब्रिंगिंग द स्पीकर बैक टू हिज लवर वंस अगेन. इसकी मुकर्रा पोजीशन इसे एक कामल दायरा बनाने के लिए इस्तेहकाम फ्राहम करती है, जो बिल्कुल इसी जगह खत्म होता है जहां ये स्पीकर को एक बार फिर अपने आशिक के पास वापस लाता है. द व्यूअर्स हु हैव गाइस, ये था हमारा आज का टॉपिक, वैलिडिक्शन फॉरबिडिंग मॉर्निंग. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज प्रेस द लाइक बटन एंड शेयर माय वीडियो विद योर फ्रेंड्स. अल्लाह हाफिज.